हम देखते हैं कि इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय x बराबर होता है ln x के। इसमें हम सिंपल इंटीग्रल रूल अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले तो हम वो प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, देखता हूँ, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय x dx, नीचे पावर प्लस 1 है, ऊपर आकर पावर माइनस 1 हो जाएगी dx। और सिंपल इंटीग्रल रूल क्या है जो हम पॉलिनोमियल पे अप्लाई करते हैं? पावर प्लस 1 हो जाएगी और जो भी पावर होगी उसी से डिवाइड कर देंगे हम। और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा और नीचे भी जीरो आ जाएगा। किसी भी चीज़ पे पावर जीरो होती है वो वन के बराबर होता है और ये नीचे जीरो। तो इस तरह ये अगर डिवाइड में जीरो हो तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से सिंपल इंटीग्रल रूल के मुताबिक इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं हम इसको, फिर इसका हमने क्या तरीक़ेकार निकाला है। इसको मैं साइड में इसको देख सकें, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। हमने सॉल्व करना है उसको, इक्वेशन नंबर ए का नाम देते हैं। अब मैं लेट करता हूँ, मैं लेट करता हूँ वाई बराबर है ln x के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, और ln x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय x। इसमें से अब हम x को सेपरेट कर, dx को सेपरेट कर लेते हैं। dx को हम सेपरेट करेंगे, dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। x यहाँ डिवाइड हो रहा है, dy के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x dy, और dx बराबर आ जाएगा x dy। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, x बराबर आ जाएगा x टाइम्स dy। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम वो चीज़ें निकाल चुके हैं जिससे हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकें इक्वेशन नंबर ए को। उसके लिए हमने ये काम किया है, सब्सटीट्यूशन मेथड हम लगाएंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। अच्छा, इक्वेशन ए हमारी क्या है? इक्वेशन ए जो है वो है इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसका हमने इंटीग्रल निकालना था, इंटीग्रेशन का निशान ऐसे ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स में ऐसे ही लिख रहा हूँ। जो डी एक्स है वो इक्वेशन 2 के हिसाब से उसकी वैल्यू मैं पुट करूँगा, एक्स डी वाई है। तो यहाँ इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डी एक्स की जगह एक्स टाइम्स डी वाई। तो आप ये देख सकते हैं एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रह जाएगा इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा डी वाई। इसका जो इंटीग्रल है यहाँ है 1, तो 1 का जो इंटीग्रल होगा वो होगा यहाँ वो है 1, और 1 का जो इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है। इक्वेशन 1 के हिसाब से जो y है, इक्वेशन 1 के हिसाब से वो ln x के बराबर है, क्योंकि हम y में अपने सवाल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो हमारा रियल वेरिएबल था, जो असल में सवाल में वेरिएबल था वो था x। तो हमने वापस इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो कुछ हमने सब्सटीट्यूट किया था उसको हम बैकवर्ड करेंगे वापस x में। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से y बराबर है ln x और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से ये सवाल जो है वो हमारा प्रूफ हो जाता है।